स्वागत है आप सभी का हमारे दिव्यादर्श कंपटीशन क्लासेज में। मैं ब्यूटी यादव आज रीजनिंग का डायरेक्शन टेस्ट का नेक्स्ट स्टेप लेकर के आया हूँ। और जो भी हम लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो पूछे रेगुलरली पूछे जाते हैं। और आज हम एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं दिल्ली पुलिस सिलेबस की, जिसमें दिल्ली पुलिस में जो भी सिलेबस पूछा जाएगा उसकी सारी वीडियो हम अपलोड करेंगे। और एमपी पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी हैं, तो उसके बारे में कोई ना कोई नोटिफिकेशन अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के क्वेश्चनों को हम प्रारंभ करते हैं। जो भी आज के क्वेश्चन रहेंगे वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप हमारे क्वेश्चनों को देखिए और जो भी इम्पोर्टेंट जैसे पेन और कॉपी लेकर के या नोट्स बनाने के लिए जो भी होता है वो सिर्फ एक चीज़ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का कोई नोट्स बनाना आवश्यक नहीं होता है, कि जैसे कोई हमें नए तरीके से या कोई जैसे कोई वीडियो किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन किसी प्रकार से, तो सभी आप वीडियो देखते रहते हैं, सभी क्लासे लेते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग मिलता है। तो उस अलग जो हमें मिलता है उस अलग को नोट करने के लिए कॉपी पेंसिल लेनी चाहिए, ना कि प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए हमें कॉपी पेंसिल हाथ में लेनी चाहिए। तो आप हमारे वीडियो को देखिए, प्रारंभ करते हैं। जो भी आज क्वेश्चन रहेंगे बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, तो प्रारंभ करते हैं आज के क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? सोहन 10 किमी पूर्व की ओर चलता है। तो वही हम देखिए, वो हमने बोला था इस तरीके से कुछ बनाना, ये तो बहुत पुराना हो चुका है, तो इसे नए तरीके से या फिर नया तरीका कोई नहीं, वही सारी की सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ इतना है कि उसे छोटा रूप दे दिया जाता है कि सोहन 10 किमी पूर्व की ओर चलता है। दो सोहन 10 किमी पूर्व की ओर चलता है, उसके बाद क्या है कि इसके बाद वह अपने दाई ओर मुड़ जाता है और 15 किमी चलता है, यानी उसके बाद तुरंत वह जस्ट से दाई ओर मुड़ता है और 15 किमी चलता है। इसके बाद दाई ओर मुड़कर 10 किमी चलता है, फिर से वो दाई ओर मुड़ता है और 10 किमी चलता है। अब वो क्या कहता है, इसके बाद वह अपने बाई ओर मुड़ता है और 20 किमी चलता है। देखिए बाएं, एक दाएं बाएं का जो फंडा होता है ये अक्सर कन्फ्यूजन कहीं कहीं हमें पैदा करता है। तो एक चीज़ हम याद रख सकते हैं कि दाया दाया बोले तो दमदार, यानी इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ अपना है कि क्वेश्चनों को कोई भी कहते हैं ना ट्रिक ट्रिक टेक्निक, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को किसी अजीब सी चीज़ के साथ हम कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हमें समय पर कोई ना कोई चीज़ आसानी से हमें याद आ सके। तो इसीलिए दाएं को दमदार के हिसाब से सीधा नॉर्मल बात है, राइट नॉर्मल बात है, लेकिन दायां बाएं में कभी कभी में कन्फ्यूज होता है। तो दायां दमदार, दमदार बोले तो सीधा हाथ और बायां लेफ्टी। तो क्या बोलता है ये, और क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। इसके लिए हमने क्या किया कि एक रेशियो के साथ नोट किया कि 10 किमी चला, 15 किमी चला, उसके बाद फिर से 10 किमी चला और 20 किमी चला। तो हो सकता है एक दो लाइन कहीं छोटी बड़ी हो जाए तो उससे दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमें देखना क्या है कि जो हमें देखिए ये प्रारंभिक बिंदु था और प्रारंभिक बिंदु से उसने एक चीज दी है कि वो अपने सामने पूर्व की ओर कितना 10 किमी चलता है। यदि हमें पूर्व की दिशा न देता तो ऑप्शन के हिसाब से भी निकालना इसका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हमें पैदा करता, कन्फ्यूजन पैदा वहाँ करता जहाँ पर सेम दिशाएं दी हुई हों कि पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर इस तरीके से, और यदि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस तरीके से कुछ दिशाएं देता है और एक कोई सी दिशा सिंगल देता है, या तो पूर्व देता है या पश्चिम देता है, ऐसे कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन वो आंसर हमारे के 100% सही नहीं होते। तो पहले दे रखा है कि उसे पूर्व की ओर 10 किमी चला, तो क्या करते हैं कि पूर्व की ओर 10 किमी चला, तो जाहिर सी बात है ऊपर दक्षिण नीचे ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण होगा ही होगा। अब अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा में चला कितनी दूरी, उसने टोटल दूरी कितनी तय की, तो वो देखते हैं क्या कि यहां से जो यहां तक की दूरी है वो दूरी कितनी हो गई, जितनी दूरी ये चली गई कितनी 15, और 15 ये टोटल यहाँ तक चली हुई है, और पीछे की नीचे की दूरी है वो 20 किमी ऑलरेडी लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 20 + 15 बराबर 35, यानी उसने क्या किया कि 35 मीटर या 35 किलोमीटर
या 35 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है आंसर, लेकिन 35 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, रमा विश्वविद्यालय में जाना चाहती है, वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। तो देखिए, इस बार क्या करेंगे कि जो रमा का घर है वो ऑलरेडी एक बिंदु से आगे मानना पड़ेगा हमें। क्या है उसको क्या देते हैं, विश्व घर। अब देखते हैं वो कैसे माना। यदि हम घर को एक बिंदु मानते हैं, कैसे मानते हैं घर। अब घर को यहां मानते हैं, आई क्वेश्चन करते हैं, आंसर सेम आएंगे लेकिन कहीं कहीं हमें कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक चीज लेते हैं कि किसी बिंदु से पूरब की ओर, क्योंकि बोला है पूरब की ओर है, तो कोई बिंदु होगा उससे पूरब की ओर है, डायरेक्ट पूरब की ओर नहीं है। अगला बात बोलता है कि पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, यानी पूर्व दिशा में जो स्थित घर है उससे किसी स्पेशल स्थान की ओर चलना प्रारंभ करती है, वो क्या है, पश्चिम दिशा है। और क्या कहता है कि आगे एक चौराहे पर पहुंचती है। ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और कंपटीशन के जो भी टीचर क्लास कराते हैं, जो भी नोट्स होते हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और इसमें अक्सर कन्फ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि वहाँ छात्र कन्फ्यूजन होता है। क्या होता है कि घर को इस स्थान पर लाके रखते हैं, फिर वहाँ से कन्फ्यूजन पैदा ज़्यादा हो जाता है। तो इसके इसके बाई ओर वाली सड़क पर सिनेमा है, यानी पूर्व दिशा से कोई आदमी पश्चिम दिशा की ओर चलेगा तो उसका दायां ऊपर होगा, बायां नीचे होगा, और बायां नीचे होगा तो बायां क्या है, सिनेमा। चौराहे पहुंचे, इसके बाई ओर सड़क पर सिनेमा पर जाकर समाप्त हो जाती है, यानी यहां सड़क एक सिनेमा बना हुआ है जो आप सभी लोग जानते हो किस टाइप का होता है। उसके सामने की ओर अस्पताल है, यानी जो घर का घर है, घर के सामने की ओर क्या है, अस्पताल। क्या इसी तरीके से अस्पताल सही है। बताएं कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में है, यानी कोई सड़क है उसका एक चौराहे पर जब पहुंचती है, और जब चौराहे पर पहुंचती है तो चौराहे के कितने रास्ते होते हैं, चार रास्ते होते हैं। अब चार रास्ते, एक रास्ते पर उसका घर बना हुआ है, दूसरे रास्ते पर सिनेमा बना हुआ है, तीसरे पे अस्पताल बना हुआ है, चौथे पे क्या होगा, चौथे पे विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय बना हुआ होगा तो इसमें विश्वविद्यालय से, अब यहां से क्वेश्चन कितने होते हैं कि विश्वविद्यालय चौराहे से किस दिशा में है, तो उत्तर। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि घर से सीधे जाने के बाद तो कौन सी दिशा में मुड़ी, ना कौन सी साइड को मुड़ी, तो वो कौन सी, दाया। अगला क्वेश्चन बनता है कि घर से विद्यालय कौन सी दिशा में, तो पश्चिम, उत्तर। अगला क्वेश्चन बनता है कि विश्वविद्यालय से घर कौन सी दिशा में, दक्षिण, पूरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनता है कि विश्वविद्यालय के जस्ट सामने वाले रोड पर कौन सा है, विश्वविद्यालय के जस्ट सामने कौन सा है, सिनेमा। अगला क्वेश्चन हम यहीं से देखते हैं कि घर के जस्ट सामने कौन सा उद्योग या कौन सी विश्वविद्यालय, सिनेमा, अस्पताल है, तो क्या बोलेंगे, अस्पताल। देखिए, एक क्वेश्चन इतने सारे आंसर, इससे हमें क्या दिखता है कि जो बेस है हमारा वह एक ही है, बार बार क्वेश्चनों की भाषा बदली जाती है और क्वेश्चनों में वही सेम आंसर पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, वो मेन चीज क्या है कि हमें चलना कैसे है, किस साइड को मुड़ा है, कैसे मुड़ा है, दूरी कितनी तय की है, यानी हर बार क्वेश्चन वही सेम, बदल बदल के, लेकिन आंसर हर बार एक अलग। कभी
कंफ्यूज करने वाले आंसर। इसीलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हुए ज़्यादा सावधानी देखनी बरतनी है, जिससे कि आंसर हमारे आसानी से आए। अगला क्वेश्चन देते हैं कि तिलक पूरब की ओर चलकर एक चौराहे क्रॉसिंग पर पहुंचता है। देखिए, तिलक किसी स्थान से चला, यानी फिर से वही, पूरब की ओर चलकर एक चौराहे क्रॉसिंग पर पहुंचा। वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है, उसके सामने वाली सड़क पर बाजार, बाजार को याद नहीं, सामने क्या है, मार्केट। उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क, दायां बायां। अब वो क्या कहता है कि विश्वविद्यालय किस दिशा में है? मैं आंसर नहीं देखता, फिर भी एक चीज बताता हूं कि यहां विश्वविद्यालय आएगा ही आएगा, ये आपको पता है। लेकिन पहले एक चीज को सॉल्व करते हैं कि विश्वविद्यालय किस दिशा में आएगा, इस चीज पे ज्यादा गौर करते हैं। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी फिर से हम दोबारा पढ़ के आपको समझाएंगे क्या है कि विश्वविद्यालय किस दिशा में पड़ता है। दो चीज, घर से पूरब दक्षिण दिशा। अगला क्वेश्चन, चौराहे से विश्वविद्यालय किस दिशा में, दक्षिण। या और कोई क्वेश्चन यह पूछ सकता है, दो आंसर अभी हमने निकाले हैं, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, दक्षिण पश्चिम पूरब उत्तर, यानी पूछा किस जगह से, पूछा इस जगह है कि जब घर से वह चलकर एक चौराहे पर पहुंचा और चौराहे पर पहुंचने के बाद वो बताता है कि मेरे बाईं ओर राष्ट्रीय पार्क है और सामने की ओर यानी पूर्व की दिशा में क्या है, एक बाजार को जाती है, और उसके बाद जो मैं खड़ा हुआ हूं उसके नीचे यानी दक्षिण की ओर क्या है, विश्वविद्यालय। दिशा कौन सी है, दक्षिण। अब कौन सी जगह से, क्वेश्चन समझ में आया होगा कि दिशा कहां से पूछी, दिशा वहां से पूछी जब उस चौराहे पर खड़ा हुआ था। आंसर हमारा आ चुका है दक्षिण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर हैं। कोई भी दिशा की 100 मीटर दूरी मानते हैं हम, पहले यही मानते हैं। आई यू, मैं और आप, हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। ठीक है जी। अब वो क्या कहता है कि हम दोनों एक दूसरे चल पड़े, 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ गया। 30 मीटर गया और बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। 10 मीटर का भी तो कोई रेशियो होनी चाहिए। 10 मीटर, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा और सड़क पर वापस आ गया। सड़क पर वापस आया था, इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा और सड़क वापस आ गया, जिससे उसने चलना प्रारंभ किया था। यदि हम दोनों समान गति से चलते हैं तो इस स्थान पर हम दोनों के बीच कितना फासला होगा। यानी पूछा गया है कि मैं एक रेगुलर दिशा में पूरब की ओर ही चलता रहता हूं और मेरा मित्र जो है पहले 30 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, और 30 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद में वह
बाई दिशा में मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वह बाई बाई दिशा के बाद दाई दिशा में मुड़ा, 20 मीटर चला, और फिर दाएं चला और 10 मीटर में 10 मीटर के बाद रोड पे पहुंचता है। अब हम दोनों के बीच में कितना अंतर है, अब दोनों के बीच में अंतर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज देखते हैं कि पहला कितना चला, कितना चलता है, 30 प्लस 20 प्लस 20, 30 50 70। मेरे मित्र ने जो टोटल दूरी तय की वो कितनी की, 70 मीटर। अब मैं कितनी तय करूंगा, मैं भी 70 मीटर। सत्तर मीटर मैं टोटल दूरी तय करूंगा, तो अब ये देखना है कि मेरा मित्र कितना चल चुका है, क्योंकि देखिए 30 मीटर दूरी, 70 30 कितने होते हैं, 100। यानी मेरा मित्र पहली बार बाएं मुड़ने से पहले जिस बिंदु पर खड़ा हुआ था, उस बिंदु पर मैं वर्तमान स्थिति में खड़ा हुआ हूं, यानी मेरी जो स्थिति है यहां है। अब मेरा मित्र मुझसे कितना आगे है, मेरा मित्र कितना आगे है, ये चली गई दूरी यानी 20 मीटर। और इन दोनों के बीच की मेरे और मेरे मित्र की जो वर्तमान बीच की दूरी है कितनी है, 20 मीटर है। वो कैसे है कि मेरा मित्र 30 मीटर चला, फिर 10 और 10 20, यानी उसने टोटल डिफरेंस कितना किया है विपरीत दिशाओं में चल के 10 मीटर का, क्योंकि वो हमारी वेस्टर्न दिशा है, वो कोई दिशाएं काउंट नहीं होंगे, क्योंकि जिस दिशा में हम चलना चाहते हैं वो उन दिशाओं से भिन्न है। हम चलना किधर चलते, पश्चिम की ओर, लेकिन हम चलेगा उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, तो वो ऐड दिशाएं कभी नहीं होगी। ऐसे ऐसा जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सिर्फ एक दिशा में चली हुई दूरी अक्सर करके ऐड की जाती है। तो यहां पर 70 माइनस 50 बराबर 20, क्यों, 70 वह दूरी जो मैंने रेगुलर एक दिशा में तय की थी, और 50 वह दूरी जो मेरे मित्र के द्वारा रेगुलर नहीं ब्रेक कर करके दूरी एक दिशा में तय की गई है, और उसमें से 20 वह दूरी है जो मेरे मित्र के द्वारा दक्षिण और उत्तर में तय की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन है, बी के घर पहुंचने के लिए ए 100 मीटर दक्षिण की ओर और 100 मीटर पूर्व की ओर जाता है, यानी किसी स्थान से बी के घर पहुंचने के लिए ए 100 मीटर दक्षिण की ओर 100 मीटर पूर्व की ओर जाता है, वहां से वे दोनों बाजार जाते हैं और बी के घर से उत्तर पूर्व में है, यानी वो जिस जगह जाते हैं बाजार जाते हैं, वो क्या है कि बी का घर से उत्तर पूर्व की ओर है। यदि बाजार ए के घर से पूर्व में हो तो उनके घर क्या कहना चाहता है, फिर से पढ़ते हैं। बी के घर पहुंचने के लिए ए 100 मीटर दक्षिण की ओर, ठीक है, फिर 100 मीटर पूर्व की ओर जाता है, ठीक है, वहां से वे दोनों बाजार जाते हैं, यानी ए बी, अब वो क्या कहता है, वहां से दोनों बाजार जाते हैं जो बी के घर से उत्तर पूर्व की ओर है। यदि बाजार ए के घर से पूर्व की ओर हो ए के घर से पूर्व की ओर हो तो वह उसके घर से कितनी दूर है। अब देखिए इस तरीके से 100 मीटर,
और 100 मीटर जो ये है उसके लिए हम करना क्या पड़ेगा क्या है भाई? सही सही देख 1 मिनट टाई 100 100 इसमें बोला है एक एक घर से वो कितना होगा? एक एक घर से कुल 200 मीटर की दूरी पर होगा। वो होगा कैसे? देखिए देखते हैं यहाँ। इस चीज के लिए एक लॉजिक का सहारा हमें लेना पड़ेगा कि क्वेश्चन लॉजिक से हमारा आसानी से समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि ए पहले दक्षिण दिशा में 100 मीटर चला, उसके बाद में फिर पूर्व दिशा में 100 मीटर चला। तो देखिए पूर्व दिशा में जब 100 मीटर चला तो यहाँ क्या बनता है? हम एक काल्पनिक त्रिभुज की आकृति बनाते हैं। अब जो काल्पनिक त्रिभुज की आकृति बनाते हैं तो इस पर हम चौकोर भी बना सकते हैं। लेकिन हालांकि इससे हम एक चीज देखेंगे। अब होता क्या है कि बी से उत्तर पूर्व की दिशा में है और ए के जस्ट सामने है, तो दोनों का केंद्र बिंदु ये आएगा। अब एक चीज देखते हैं कि केंद्र बिंदु कुछ इस तरीके से हम काटते हैं तो उसमें होता क्या है कि ये भी 100 मीटर है, और यदि ये 100 मीटर है तो 100 मीटर ये भी होगी। अब 100 मीटर ये है तो 100 मीटर जब सेम सेम है तो सारी भुजाओं की कितनी होंगी? 100 मीटर की होंगी। और जो बाजार वो है कौन से बिंदु पर? इस पर है बाजार। जब इस बिंदु पे है तो 100 100 बराबर 200। इस तरीके से कुछ इसका डायग्राम बनेगा और क्वेश्चन का इस तरीके से सॉल्यूशन हम बगैर किसी सूत्र के और बगैर किसी चीजों को याद रखे हुए सिर्फ एक चीज को कि हमें करना क्या है। करना ये है क्वेश्चन को आसानी से हमें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में उसको बड़े सावधानी से उसका पहले डायग्राम तैयार करना है, और डायग्राम के बाद में हमें सीधा आंसर तक पहुंच जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पराग शहर अगला क्वेश्चन है परांदा शहर ग्रीनलैंड पर अवस्थित शहर आक्रमण परांदा के पश्चिम में है। भैया पहले कोई एक जगह मानते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड परांदा शहर ग्रीनलैंड पर अवस्थित है। अच्छा शहर अक्रम परांदा के पश्चिम की ओर है। देखिए शहर अक्रम है एक मानते हैं इस तरीके से ग्रीनलैंड। अब कहना क्या चाहता है कि परांदा के पश्चिम में क्या कहता है? शहर अक्रम परांदा के पश्चिम में, यानी परांदा के पश्चिम में क्या है? अक्रम। अक्रम कोई शहर है परांदा के पश्चिम? परांदा भी कोई शहर है। शहर थोड़ा का अक्रम के पूरब में, शहर थोड़ा का अक्रम के पूरब में परांदा के पश्चिम में है। और थोड़ा का है जब अक्रम के पूरब में परांदा के पश्चिम में, थोड़ा को बीच में लेते हैं तो है क्या? थोकाड़ा, यानी परांदा के पश्चिम में और अक्रम के पूरब में है। शहर अक्रम बोपारी के पूरब में है। शहर अक्रम बोपरी के पूरब में है। लेकिन थोड़ा का और अक्रम के पश्चिम में है। थोड़ा का अक्रम के पूरब
पश्चिम में है। क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि बोपरी के शहर अक्रम बोपरी के पूरब में है, लेकिन शहर अक्रम बोपरी के पूरब में है, लेकिन अक्रम थोड़ा का और अक्रम के, अरे फिर से कन्फ्यूजन पैदा करती है। कहना चाहता है दोबारा से बनाते हैं स्टार्टिंग से, और फिर इस क्वेश्चन को छोड़ते भी हैं। क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है, और सिटिंग अरेंजमेंट जब करेंगे तो एक लाइन में सभी को सभी बिठाएंगे। बिठाने के लिए हमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ नाम अजीब से हैं इसमें तो वो दिक्कत पैदा करते हैं। और जब भी हम अपने नोट्स नेक्स्ट जो भी सिटिंग अरेंजमेंट लेके आएंगे, क्रम व्यवस्थीकरण या और भी एक इसी प्रकार का एक और है उसमें ले लेंगे, देखते हैं। एक आया, बाई पूरब में है एक्स के, जो कि जेड के उत्तर में है। अगर पी दक्षिण में है जेड के, यदि पी दक्षिण में है जेड के, पी दक्षिण में है जेड के, तो बाई के संदर्भ में पी किस दिशा में है? देखिए, उसने कहा क्या? स्टार्टिंग देखते हैं एक बार। बाई पूरब में है, या भाषा, देखिए भाषा मेन चीज है। जैसे भाषा पे जितना अच्छा हम फोकस करेंगे उतने अच्छे हमारे आंसर आ जाएंगे। तो कहना क्या चाहता है कि बाई पूरब में है, लेकिन है किसके? एक्स के। एक्स उत्तर में है जेड के, पी दक्षिण में है जेड के। भाषा, किताबी भाषा को पढ़ते हैं, नोट्स भाषा को पढ़ते हैं कि बाई पूरब में है एक्स के, जो कि जेड उत्तर में है। अगर एक्स के जो कि जेड के उत्तर में है, अगर पी दक्षिण में है जेड के, तो बाई के संदर्भ में पी किस दिशा में है? बाई के संदर्भ में पी किस दिशा में है? तो पी दिशा में है बाई के संदर्भ में, किधर? पश्चिम और उत्तर, पश्चिम दक्षिण, सॉरी दक्षिण पश्चिम, सही है। अब क्वेश्चन कुछ यहां फिटिंग अरेंजमेंट के आते हैं नोट्सों में, तो उन क्वेश्चनों को ख़त्म करते हैं। और आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कि जो वीडियो हम रेगुलरली अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।